सुष्मिता सेन का सफर मिस यूनिवर्स से लेकर अभिनेत्री तक, मॉडलिंग से एक्टिंग की राह पकड़ने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट बॉलीवुड में बहुत अधिक है। इनमें से कई कामयाब तो कई अधिक नाम कमाने के बाद भी जमीन पर ही हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ अभिनेत्रियों ने अपनी ऐसी जगह बना रखी है जहां वे असफल होने के बाद भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री है सुष्मिता सेन। पूर्व मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन का फिल्मी करियर तो बेशक बहुत कमजोर है, लेकिन दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी खुली जिंदगी। अपने मूल्यों पर जीवन जीने वाली सुष्मिता सेन समाज की किसी बंदिश को नहीं मानती। फिल्में हिट हो या फ्लॉप, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 35 से भी ज्यादा की उम्र होने के बाद भी वे शादी के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन समाज में बिना शादी के उन्होंने बच्चा गोद लेने का जो साहस किया है वह उनकी ताकतवर इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इसके साथ ही उनकी लाइफ में लव अफेयर्स भी हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। किसी सेलिब्रिटी की तरफ से ऐसा एटीट्यूड कभी देखने को मिलता है। सुष्मिता का यही अंदाज उन्हें दूसरों से जुदा बनाता है। उनकी वार्म पर्सनैलिटी और उनका हर व्यक्ति को अपना लेने का अंदाज ही है जो उनके नॉट सो सक्सेसफुल करियर के बाद भी उन्हें बेहद पॉपुलर और चहेता बनाता है। समाज सेवा के लिए हमेशा आगे रहने वाली सुष्मिता चाहे फिल्मों में आए या ना आए पर कैमरे पर जरूर दिख जाती है। तो चलिए जानते हैं कुछ बातें सुष्मिता सेन के बारे में। सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ था। वायुसेना के सेवानिवृत्त विंग कमांडर सुबीर सेन और ज्वेलरी डिजाइनर सुरभा सेन की बेटी सुष्मिता सेन को फिल्म जगत की सौम्य और सहज अभिनेत्रियों में माना जाता है। 1994 में सुष्मिता सेन भारत की तरफ से पहली महिला बनी जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। ये आयोजन मनीला फिल्मफेस्ट में हुआ था। मिस यूनिवर्स का विश्व खिताब जीतकर सुष्मिता सेन ने अपना नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। उसी साल ऐश्वर्या राय ने भी मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। उम्मीद के मुताबिक 1997 में महेश भट्ट की फिल्म दस्तक से सुष्मिता सेन ने फिल्मी दुनिया में अपना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपने ही चरित्र को जिया। फिल्म को सफलता नहीं मिली, दूसरी फिल्म जोर भी नहीं चली। उनको पहली सफलता फिल्म सिर्फ तुमके दिलबर गाने में मिली, जिसमें उनकी अदाओं को दर्शकों ने पसंद किया। डेविड धवन की फिल्म बीवी नंबर वन में सुष्मिता सेन ने बीवी नंबर टू का रोल किया और यह उनकी पहली हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। उनकी चर्चित फिल्मों में फिलहाल आंखें समय मैं हूं ना, बेवफा, मैंने प्यार क्यों किया, चिंगारी है नाम शामिल है। हाल ही के समय में सुष्मिता सेन ने दूल्हा मिल गया और नो प्रॉब्लम जैसी फिल्मों का काम किया है। निजी जिंदगी में स्पष्टवादी सुष्मिता सेन के जीवन में पुरुष मित्रों की कमी नहीं रही है। बिजनेसमैन संजय नारंग और निर्देशक विक्रम भट्ट के बाद इन दोनों उनकी जिंदगी में एक्टर रणदीप हुड्डा बताए जाते हैं। मानव मैनर और शबीर भाटिया से भी सुष्मिता सेन के मधुर संबंध रहे। 3 साल पहले उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया और उसे रीनी नाम दिया, जिसकी परवरिश वह माँ बनकर कर रही है।